प्यारा विद्यार्थियों, जन तुम सबूत पता चे कि हम इंद्रमणि बड़ोने जी की जयंती मनाने यब सब इकट्ठा हुए चे और अब तक कहे नौन्यूल आ बता पुनः जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी रियासत का जखोली ब्लॉक आग अखोड़ी गांव में हुई थी। अगर तुम देखल इना फोटो तो तुम बिल्कुल लंबी दाढ़ी वाला बाबा दिखल, लेकिन इना इतनी ऊंचो ची कि बड़ा बड़ा नेता भी इना सामने बहुत छोटा दिखा। इना उत्तराखंड राज्य अलग होने में बहुत बड़ो सहयोग ची, और अगर हम इन उत्तराखंड गांधी बोलें जिके क्वेश्चन भी चे कि इंद्रमणि बड़ोनी जीते उत्तराखंड को गांधी बोली जान किले बोली जान। अब गांधी एक बहुत बड़ी पादी चे और अगर कोई व्यक्ति तो उत्तराखंड गांधी बोली जान तो वे भीतर का उतनी सारी क्वालिटी हुई उतनी सारी क्या हुई क्वालिटी हुई तभी तो उत्तराखंड गांधी बोली जान। और 1988 में जब उत्तराखंड विकास रुकी जी दाव काटने कारण विकास क्या हुई जो रुकी जी तो इन्होंने खुद दाव काटी करने विकास ने हरी झंडी दे और पिथौरागढ़ का तवा घाट बटी ना देहरादून तक 2000 किलोमीटर की यात्रा 105 दिन में पूरी की। और जब ये जाते गए तो इन्हें पता जी कि वे टाइम पे उत्तराखंड अलग राज्य नीचे हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दिखोगे मिला के यके राज्य जी तो जय कारण पहाड़ा राज्य विकास नहीं पाए जी। तो इन्होंने गौ गौ जय करने बता कि हमें क्या होना चाहिए अलग राज्य हो चाहे पहाड़ी अलग राज्य के होना चाहिए हो चाहे। तो इन्होंने जो जाते जाते 2000 से भी ज्यादा गाँव में ये बात पहुंचे कि हम उनके कारण यह पृथक राज्य बनो। तो ये बात 1992 में मकर संक्रांति का त्योहार पे बागेश्वर में इन्होंने वो पूरा जन जन में बात पहुंचे जी कि हम यह पृथक राज्य चैन। और उदिन इन्होंने यू भी घोषित कर शिलान्यास कर गैरसैन जो तुम रंच वे गैरसैन चंदन नगर से अगर उत्तराखंड राज्य बनो लू तो यख अगर उत्तराखंड राज्य बनो तो गैरसैन वे की राजधानी हुई जे वास्ते आज भी काफी लोग संघर्ष कर। और मैं देखनी चाहिए काफी नौ नेता गड़बड़ाए बोलने में शरम आनी चाहिए और तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूँ जैते आंधी जरा भी गड़वाली जैते आंधी जरा भी गड़वाली सो भी आज साहित्यकार बने छन जैते आंधी जरा भी गड़वाली सो भी आज साहित्यकार बने छन। और नेगी जी का गीत उतर गया कि नेगी जी मतलब नरेंद्र सिंह नेगी जी नेगी जी का गीत उतर गया कि सो भी आज गिटार बने छन नेगी जी का गीत उतर गया कि सो भी आज गिटार बने छन। बोली कैन मैते गढ़वाली भौण आनी के बोली कहने कि मैते भी गढ़वाली भौण आंदी आज तुम उतर देखी तो लगड़े छ कि वो भौण भी कखी हर चीज। धन्यवाद।